देखेंगे फॉर्मूला, ये सब स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूला जो आपको एक्सरसाइज 3.1 में हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा मैंने बताया था माइनस कॉस एक्स प्लस सी। फिर उसके बाद इन सेकेंड फॉर्मूला देखो कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, वो प्लस सी आपको लगाना ही है, मेरा पता है क्योंकि ये कौन सा इंटीग्रेशन है इनडिफिनाइट, इसलिए यहाँ पर कॉन्स्टेंट आता है, समझ में। अब देखो टेन एक्स का क्या आएगा डेरिवेटिव, सॉरी टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा लॉग ऑफ सेक एक्स। फिर उसके बाद कॉट एक्स का क्या आएगा लॉग ऑफ साइन एक्स। अभी आपने देखा था कि आपने देखा था ना डिफरेंशिएशन में कि डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या होता है sec x into tan x, तो मैंने आपको बताया था ना कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का पूरा उल्टा प्रोसेस होता है। तो देखो डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है sec x into tan x, तो वही उसने उल्टा कर दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x क्या होगा sec x, समझ रहा है। देखो ध्यान से समझना है sec x का डेरिवेटिव क्या था sec x into tan x, लेकिन इंटीग्रेशन में sec x into tan x का इंटीग्रेशन कर दिया और उसकी वैल्यू क्या आ गई sec x। अभी देखो सिक्स फॉर्मूले में देखो सेम वही है cos x into cot x, इसका फॉर्म इसका डेरिवेटिव नहीं था ना, किसका डेरिवेटिव था cos x का डेरिवेटिव था, किसका था cos x का डेरिवेटिव क्या था माइनस cos x into cot x, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। मतलब आपको अब पता चल गया ना कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है उल्टे प्रोसेस है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से पूरा उल्टा है। अभी देखो सातवां फॉर्मूला देखो sec x का डेरिवेटिव क्या है लॉग ऑफ sec x प्लस tan x, क्या है आपको याद रखना है ये सब फॉर्मूले लॉग ऑफ sec x प्लस tan x। फिर आठवां फॉर्मूला क्या है cosec x का, cosec x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए log of cosec x minus cot x plus c। फिर उसके बाद sec square x का डेरिवेटिव क्या होता है फ्रेंड tan x, और हमने डिफरेंशिएशन में देखा था कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec square x, देख रहे हो उल्टा है ना। अभी देखो cos square का इसका इंटीग्रेशन क्या है minus cot x। फिर उसके बाद 11th फॉर्मूला देखो, अब यहां पर आपको इंटीग्रेशन ऑफ ax plus b raised to n dx दिख रहा है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा ए एक्स प्लस बी जैसा वैसे लिखो, उसके बाद एन प्लस वन अपॉन जो आपने एन प्लस वन किया इधर पावर में वही नीचे भी एन प्लस वन करना है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है इंटीग्रेशन में एक्स के साथ जो भी दिख रहा है आपको यहाँ पर वो हमेशा अपॉन में ले लो, समझ में। अभी जैसे कि अगर मैं ऐसा लिखता कि यहाँ पर देखो कॉट और यहाँ पर साइन है एक्स है ना, यहाँ पर ऐसे लिखता साइन ए इंटू एक्स, तो यहाँ पर इसका चेंज क्या होता कुछ नहीं चेंज होता, क्या होता पता है एक्स के साथ यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है ए, तो सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाता वन अपॉन ए माइनस कॉस ए एक्स, समझ में। आप डिफरेंशिएशन में जो एक्स के साथ जो भी दिखता था मल्टीप्लाई करते थे ना, मतलब उसको मल्टीप्लाई में ले लेते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है उसको हमको डिवाइड में करना पड़ता है, समझ में आपको ये याद रखना है। फिर 12वां फॉर्मूला कौन सा है 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, पता है ना 1 अपॉन एक्स ये फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग एक्स, पता है आपको 1 देखो 1 अपॉन ए क्यों आया कि एक्स के नीचे क्या है आप एक्स के बाजू में क्या है ए, इसलिए 1 अपॉन ए लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। फिर उसके बाद 13वां फॉर्मूला देखो 13th फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ई ए एक्स प्लस बी, तो ई रेस्ट एक्स जो रहता है वही रहता है ना e of ax plus b, लेकिन मैंने क्या बताया था कि x के साथ जो भी होगा वो हमेशा क्या करना है आपको डिवाइड में लेना, तो 1 upon a e raised to ax plus b plus c। और 14th क्वेश्चन क्या है देखो a px plus q, तो आपको याद रखना अभी पहले तो ये कांसेप्ट समझो x के साथ क्या है p है, तो नीचे क्या आएगा 1 upon p, यहां तक आपको समझ में आया। अभी कौन सा फार्मूला बन गया a raised to x का, a raised to x का फार्मूला क्या है a raised to x divided by log a, तो a raised to px plus q upon log a plus c, आपको समझ में आया फ्रेंड्स ये फार्मूला 14 जो फार्मूला है आपको ये याद रखने, क्योंकि ये फार्मूले के ऊपर ही आपको एक्सरसाइज 3.1 समझ में आएगा। अभी मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ, वो देखो ध्यान से देखना रूल्स देखो क्या है, आप 11th में सीखे होंगे कि इंटीग्रेशन f of x plus minus g of x
डी एक्स। जब कोई भी फंक्शन अगर प्लस में दिखे या माइनस में तो इंटीग्रेशन दोनों को जाएगा, जैसे आपने डिफरेंशिएशन में सीखा था। डिफरेंशिएशन भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, दोनों को जाता है ना, दोनों फंक्शन को जाता है डिफरेंशिएशन, दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन लगता है। वैसे सेम इंटीग्रेशन में अगर प्लस और माइनस हो तो क्या बोलते हैं, वो एक बार इधर भी जाएगा, इधर भी इंटीग्रेट होगा और उधर भी इंटीग्रेट होगा। समझ में आया? तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस सी। समझ में आया आपको? अगर कोई भी आपको फंक्शन के साथ, जैसे अभी मैं के इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिख रहा है, तो आप में पता है मैंने डेरिवेटिव भी बताया था, किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट दिखता है तो कांस्टेंट क्या आता है, डिफरेंशिएशन के बाहर। वैसे ही फंक्शन के साथ आप देखो कोई भी फंक्शन है उसके साथ में कांस्टेंट, तो कांस्टेंट भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। क्या होता है, कांस्टेंट भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, आपको ये याद रखना है। और इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो होता है। समझ में आया वैल्यू? जैसे आप डिफरेंशिएशन में भी कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर जीरो रखते थे ना, जैसे अभी डिफरेंशिएशन ऑफ सॉरी डी ऑफ डी एक्स फाइ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। वैसे इंटीग्रेशन ऑफ फाइ डी एक्स क्या होगा, जीरो। समझ में आ रहा है? ऐसा होगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ फाइ, अभी ये डी एक्स है ना, अभी देखो कुछ नहीं दिख रहा है आपके पास, यहाँ पर क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट के इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सीधा जीरो। समझ में आया? अब हम देखेंगे, देखो अभी याद तक किया तो आपको बेसिक रूल था आपको समझ में आया। लेकिन अगर आपको कोई भी, जैसे कोई भी कभी भी एमसीक्यू भी पूछ लिया जाता है कुछ कुछ क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, तो उसमें क्या रूल अप्लाई करने का, यहाँ पर तीन या दो रूल है, तीसरा रूल आपको बाद में बताऊंगा, पहले दो रूल पहले आपको पता रहना चाहिए कि इंटीग्रेशन में अगर आपका कोई फंक्शन है यहाँ पर, अब इसी फंक्शन के ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तब आपको इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या मिलेगा पता है, उसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखना, लॉग नीचे कौन जो भी फंक्शन होगा, लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी, सीधा डायरेक्टली। ये एक पहला रूल है। अगर आपको कोई भी, जैसे कि मैं लेता हूँ यहाँ पर एक्स का स्क्वायर, ये क्या एक फंक्शन है, और ऊपर ही उसका डेरिवेटिव दिख रहा है, एक्स स्क्वायर और 2x दिख रहा है और dx, तो मतलब इसी की नीचे इसका ये नीचे वाला फंक्शन है और उसके ऊपर वाला उसका डेरिवेटिव, तो आपको क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू क्या आएगा, log of x square plus c। समझ में? दूसरा कि अगर अंडर रूट में अगर फंक्शन रहा और नीचे अगर अंडर रूट में फंक्शन रहा और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो वैल्यू क्या आएगा इसका, वैल्यू इसका होगा 2 मल्टीप्लाई बाय फंक्शन, जो अंडर रूट ऑफ फंक्शन जो है वो, ये देखो अंडर रूट ऑफ फंक्शन है ना, यहाँ पर भी अंडर रूट ऑफ फंक्शन, बस यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई आ गया 2। जब अगर रूट में कोई फंक्शन होगा और उसके ऊपर कोई डेरिवेटिव होगा उसका, तब उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ फंक्शन प्लस सी। ये बस आपको कुछ कंसेप्ट याद रखने। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन, तो हम देखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल जो है 3x प्लस 4 का क्यूब। आपको फॉर्मूला याद, अभी मैंने फॉर्मूला लिख के बताया था, याद है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी रेस टू एन इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या था, एक तो पहले एक्स के साथ जो भी होगा पहले उसको नीचे ले लो 1/a, फिर उसके बाद फॉर्मूला क्या था, ए एक्स प्लस बी जो दिख रहा है वैसे का वैसा करो, फिर एन प्लस 1 कर दो, नीचे भी एन प्लस 1 कर दो और प्लस कॉन्स्टेंट, सेम आपको इधर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा, सबसे पहले आपको क्या मानेगा, आपको क्या मानना पड़ेगा, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 एस टू क्यूब इंटू डी एक्स, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये मिटा दूं मैं कि अब मैं इसी में, चलो इसी में करता हूं, इसको मिटाता नहीं, आपको देखने में फिर समझने में ईजी होगा। यहाँ तक आपको समझ में, सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर इवेल्यूएट करना रहता ना, तो आपको ये इंटीग्रेशन साथ में इंटू डी एक्स पहले से दिया रहता है। अगर आपको डायरेक्टली बोलेगा कि इंटीग्रेट करो इस क्वेश्चन को विद रिस्पेक्टिव वेरिएबल, तो फिर आपको पहले लेट आई इक्वल्स टू ये लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना होगा। अब आपको दिख रहा है 3x प्लस 4 इज टू क्यूब, तो अभी आप क्या करोगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन, फिर 3x प्लस 4, फिर क्या लिखोगे यहाँ पर ऊपर, 3 प्लस 1
अपॉन 3 प्लस 1, और यहाँ पर x के साथ क्या है 3, यहाँ पर क्या लिखोगे 1 अपॉन 3, समझ में आ रहा है? ऐसा करोगे ना, ऐसा करोगे इंटीग्रेशन के अंदर नहीं, देखो क्या होगा, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो इसका डायरेक्टली आंसर होगा क्या करोगे इंटीग्रेशन की, सीधा डायरेक्टली 1 अपॉन 3, पहले x के साथ क्या है यहाँ पर 3, देखो x के साथ क्या था यहाँ पर 8, तो इसलिए मैंने क्या ले लिया 1 अपॉन 8, तो x के साथ यहाँ पर क्या था 3, तो इसलिए मैंने क्या ले लिया 1 अपॉन 3, फिर उसके बाद 3x प्लस 4 जैसा है वैसा लिखो, लिख दिया, फिर उसके बाद 3 जो नंबर n रहे उसके साथ प्लस 1 करने, तो यहाँ पर n क्या है यहाँ पर 3, तो 3 प्लस 1 4, नीचे भी क्या करना पड़ेगा 3 प्लस 1 4 प्लस c, और 4 × 3 क्या हो जाएगा फ्रेंड 12, जिसका आंसर क्या रहेगा फाइनल आंसर 3x प्लस 4 is to 4 upon 4 3 is 12 plus c, तो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आपको ये समझ में आया? देखो ध्यान से देखना कितना सिंपल क्वेश्चन था ना, ax + b raised to n। अभी मैं आपको इसी का मतलब कुछ सेकंड थोड़ा फ्रैक्शन में देता हूँ कुछ इसमें। तो सेकंड क्वेश्चन देखो बहुत ही इजी है, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आपको देखोगे तो वह समझ में आएगा। देखो क्या है 1 upon √3x + 5 दिख रहा है, 1 upon 3x + 5 माइनस √3x + 2 है, यहाँ तक आपको समझ में, ये क्वेश्चन आपको समझ में, 1 upon √3x + 5 माइनस √3x + 2। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon √3x + 5 इतना माइनस √3x + 2 dx। यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हाँ ये हम लोग ने क्या कर दिया। फिर उसके बाद आपको अपने 9th 8th से आपको पता रहेगा कि जब भी कोई आपको ऐसा दिखता है रेशनलाइज जैसे दिखता है तो आप उसको क्या करते हो, मतलब कभी रूट में दिखता है नीचे तो आप उसको रेशनलाइज कर देते हो ना, ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा √3x + 5 + √3x + 2। देखो मैं डायरेक्टली स्टेप नहीं करता, नहीं तो फिर देखो कैसे करेंगे आप, 1 upon √3x + 5 - √3x + 2 यहाँ तक हो गया, फिर इंटू आपको पता है ना रेशनलाइज में क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी साइन होता है उसको बस चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा √3x + 5 + √3x + 2 ऊपर dx लिखा है ना, फिर अपॉन न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम साइज का हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी अगर 3x, इधर भी क्या करेंगे हम लोग √3x + 5 + √3x + 2 dx लगाना ना भूलना है, बस आपको याद रखना है, यहाँ तक आपको समझ में अभी क्या होगा स्ट्रेट मल्टीप्लाई, तो करो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये √3x + 5 + √3x + 2। फिर उसके बाद ये दिख रहा है आपको a - b फॉर्मूला क्या है, a² - b² लगा दो √3x + 5² - √3x + 2² इंटू dx, आपको पता है ना कि स्क्वायर रूट को क्या कर देगा कैंसिल, स्क्वायर रूट को क्या कर देगा कैंसिल, तो बचेगा क्या इंटीग्रेशन ऑफ √3x + 5 + √3x + 2 upon क्या बचा यहाँ पर 3x + 5 - 3x + 2 और यहाँ पर dx, यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर उसके बाद देखो ये ऊपर का जैसे ऊपर का जो टर्म है वैसे का वैसे रहने दो 3x + 5 + √3x + 2, फिर उसके बाद 3x + 5 - साइन चेंज हो जाएगा अंदर का 3x - 2, तो +3x - 3x कैंसिल, तो +5 - 2 क्या हो जाएगा फ्रेंड 3, क्या हो जाएगा 3, तो 1 upon 3 इंटीग्रेशन के अंदर है ना, तो मैंने क्या बताया था जब भी कोई कांस्टेंट और साथ में कोई फंक्शन देता है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट को क्या कर लेता है बाहर ले लेता है, तो इधर भी क्या हो जाएगा 1 upon 3, यहाँ पर dx लिख देना 1 upon 3 कांस्टेंट बाहर ले लिया इंटीग्रेशन के, अंदर क्या बचा √3x + 5
फिर उसके बाद प्लस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2 इंटू dx। आपको समझ में आता है अभी, बाकी पहले आप देख लो इतना, इसके बाद अभी मिटा के करना पड़ेगा, रफ कर लिया देखना पड़ेगा। देख लो समझ में आया तक, अपने यहाँ तक स्टेप आए, यही स्टेप तक आए हम, पहले देख लो आप कि क्या किया, फिर उसके बाद हाँ ऐसा रेशनलाइज किया, रेशनल स्टेप मल्टीप्लाई किया, फिर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, फिर यह माइनस साइन यहाँ पर अप्लाई किया तो माइनस 3x प्लस 3 कैंसिल हो गया तो प्लस 5 माइनस 2 3 आता, तो 1 अपॉन 3 कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट को बाहर लेता, तो इतना वाला टर्म बचा है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सब सिंपल है। यहाँ तक आपको समझ में आया? आप देखो, देखो फ्रेंड्स अब देखो क्या करना है, 1/3। अभी देखो मैंने आपको बताया था ना कि इंटीग्रेशन जो होता है वो प्लस हो या माइनस हो, इंटीग्रेशन जो होता है वो प्लस हो या माइनस हो वो सबको जाएगा, और ये 1/3 भी सबको जाएगा, तो फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 5 इंटू dx प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2 dx। यहाँ तक आपको समझ में आया? कोई डाउट नहीं। अभी देखो ये 3x प्लस 5 ना, अब इसको मैं रेज टू 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ, लिख दो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 1/2 इंटू डी एक्स, इधर वही करो 3x प्लस 2 रेज टू 1/2 यहाँ पर dx। कोई डाउट? अब इसको मिटा दे रहा हूँ, नहीं ना। अभी देखो बन गया फॉर्मूला ax प्लस b रेज टू n, लगा दो तो क्या बन जाएगा, 1/3 फिर उसके बाद 3x प्लस 5 1/2, देखो यहाँ पर कर रहा हूँ 1/2 प्लस 1, 2 वन जा 2, तो 1 प्लस 2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 3/2, तो इधर मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली 3/2 लिख दूँ, और यहाँ पर भी क्या होगा 3/2, सेम इधर भी वही होगा 1/3, यहाँ पर क्या होगा 3x प्लस 2, फिर उसके बाद यहाँ पर भी 3/2, यहाँ पर भी 3/2, लेकिन ध्यान से देखना x के साथ यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको 3, तो यहाँ पर 1/3, इधर भी क्या दिख रहा है x के साथ 3, यहाँ पर क्या आएगा 1/3, तो यहाँ पर देखो क्या हो गया 1/9, अभी 3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/3, यहाँ पर 2/9 3 सा क्या हो जाएगा 27। समझ में आया क्या किया मैंने, ये जो 3/2 था मैंने 2/3 कर दिया, यहाँ पर 2 हो गया और 3 सा 9 था, तो 9 3 सा क्या हो गया 27। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर 2/2/27 हो गया, फिर उसके बाद 3x प्लस 5 रेज टू 3/2 प्लस 27, सॉरी यहाँ पर भी वही होगा 2/27 3x प्लस 2 रेज टू 3/2, फिर एक साथ इन दोनों को कॉमन ले लो और इस ब्रैकेट को सॉरी प्लस सी लगाना मत भूलना, हाँ यहाँ पर प्लस सी, यहाँ पर भी प्लस सी। समझ में आपको, यहाँ पर 3/2 दिख रहा है, यही आपका फाइनल, अभी यहाँ पर भी आप इधर भी छोड़ दोगे आंसर फाइनल तो भी चलेगा, बस यहाँ पर आपको क्या करने का है कि यहाँ 2/27 को एक साथ कॉन्स्टेंट है और फिर 3/2 है उसको थोड़ा सा रूट में करना, तो करो नहीं तो ऐसा कर सकते हो आप, ऐसा जैसे 1/2 रहता था यहाँ पर क्या करते हैं आप, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको सिर्फ 3x प्लस 5 और कुछ नहीं, इसको 3/2 दिख रहा है 3/2 उसको ऐसा आप लिख सकते हो, समझ में आया, बस वही आपको करना है। समझ में आपको याद तक, तो हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, देखेंगे थर्ड क्वेश्चन जो है साइन क्यूब एक्स। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इनटू डीएक्स। फ्रेंड्स कोई इंटीग्रेशन में आपने साइन क्यूब एक्स का कोई फॉर्मूला देखा है क्या? नहीं। अब इस फॉर्मूले को हम बनाएंगे। आपको याद है कि साइन थ्री टीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin θ माइनस 4 sin³θ, यहाँ तक आपको पता होगा। फिर उसके बाद अभी माइनस वाला टर्म आपको इक्वल्स टू इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और यही जो पॉजिटिव टर्म उधर गया होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर क्या नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 4 sin³ या 4 sin³θ इक्वल्स टू 3 sin θ माइनस साइन 3θ। अब देखो साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला मिल गया, क्या मिल गया, साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला है 3/4 sin θ माइनस 1/4 sin 3
थीटा। तो यहाँ पर हम लोग ने फॉर्मूला बना दिया है, अब यही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4। तो यहाँ पर 1/4 मल्टीप्लाई 1, आप इधर 4 जब डिवाइड में भेजोगे इसको तो ऐसे ही बनेगा ना, 1/4 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा। फिर बाद में आप ये वाला टर्म लिखोगे ना, 3/4 sin थीटा माइनस 1/4 sin थीटा, इसलिए। तो फिर यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 1/4 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा, अरे थीटा नहीं सॉरी, यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x लिखना है, इनटू dx। यहाँ तक आपको समझ में आया? फिर उसके बाद 1/4 क्या करोगे आप, इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 sin x माइनस 1/4 इंटू sin 3x इंटू dx। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद इंटीग्रेशन दोनों को, तो क्या हो जाएगा, और 3/4 कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, तो क्या हो जाएगा, 3/4 कांस्टेंट बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, सेम इधर भी माइनस 1/4 बाहर, तो यहाँ पर क्या बचेगा अंदर, साइन 3x इंटू डी एक्स। फिर आपको पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 3/4 कॉस एक्स। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगी, माइनस 1/4 इंटू माइनस कॉस 3x। यहाँ तक तो आपको समझ में है कि साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कॉस 3x, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो x के साथ जो भी दिख रहा है यहाँ पर वो आपको अपॉन में लेना है, यानी डिवाइड में लेना है, तो यहाँ पर इंटू 1/3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पूरा टोटल उसका फाइनल आंसर क्या होगा, और माइनस माइनस क्या जाएगा फ्रेंड, प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस 3x/12 दिख रहा है ना, माइनस माइनस प्लस कॉस 3x/4 = 12, फिर माइनस 3 cos x/4 प्लस, यहाँ पर भी प्लस सी, यहाँ पर भी प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आप अगर सी नहीं लिखोगे तो आपका हाफ मार्क्स कट होता है, क्योंकि इनडिफिनिट इंटरवल में कॉन्स्टेंट लिखना जरूरी होता है। समझ में आया, आपको याद रखा, cos 3x/12 माइनस 3 cos x/4 प्लस सी, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना ये क्वेश्चन को भी, साइन 7x इंटू कॉस 3x, देखो सबसे अलग क्वेश्चन है यहाँ पर, साइन 7x इंटू कॉस 3x, तो फ्रेंड्स ये कोई एक फॉर्मूले की तरह दिख रहा होगा, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, बेसिक फॉर्मूला जो होता है 2 sin A into cos B, इसका फॉर्मूला क्या बनता है फिर, साइन ए प्लस बी फिर प्लस साइन ए माइनस बी, ये आपको याद होगा। बस यहाँ पर साइन ए भी दिख रहा है और कॉस बी भी दिख रहा है आपको इस क्वेश्चन में, साइन ए भी दिख रहा है कॉस बी भी दिख रहा है, बस क्या नहीं दिख रहा, टू, ये टू हम लोग ला सकते, तो हम लोग ये वाले क्वेश्चन अभी देखो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना बस, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब मैं इस क्वेश्चन को इसकी तरह बनाता हूँ, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा फ्रेंड्स, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x इंटू कॉस 3x इंटू dx, यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर उसके बाद हम लोग सबसे फिर क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग डिवाइड, यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर उसके बाद 2 साइन 7x इंटू कॉस 3x इंटू dx, अब फॉर्मूला लगा दो, क्या बनेगा फॉर्मूला, साइन 7x प्लस 3x प्लस साइन 7x माइनस 3x फिर dx, यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x प्लस 3x क्या होगा फ्रेंड्स, साइन 10x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 4x इंटू dx, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इंटीग्रेशन दोनों पे जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 10x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x, dx भी लिख देना, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि साइन 10x क्या होगा फ्रेंड्स, 1/2 माइनस कॉस 10x, क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 कॉस 10x, और नीचे 10 आएगा ना, x का यहाँ पर क्या है 10, यहाँ पर क्या जाएगा नीचे 10। फिर उसके बाद अंदर वापस 1/2 मल्टीप्लाई करो तो प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस ना, माइनस 1/2
cos 4x और नीचे क्या हो जाएगा 4 प्लस c, अब मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा फाइनल आंसर इसका, माइनस cos 10x अपॉन 20 माइनस cos 4x अपॉन 8 प्लस c, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो फ्रेंड्स देखो कुछ हम लोग ने यही क्वेश्चंस हमारे पे हुए, तो ये आपको याद रखना है बस ये क्वेश्चन कि हम लोग ने किस तरीके से किया, कैसे सोच के किया, बस ये आपको याद रखना है, आपको फॉर्मूले याद रखने, आपको रूल्स याद रखने बस, तो आपको इंटीग्रेशन भी आपको बहुत इजी लगेगा। अगर जिसको डिफरेंशिएशन अगर पूरी अच्छे तरीके से आता है तो इंटीग्रेशन उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन भी बहुत ईजी है। तो देखो फ्रेंड्स हम लोग इस क्वेश्चन में कुछ याद नहीं, क्योंकि हम लोग को साइन ए इंटू कॉस बी, सिर्फ आपको बस याद रखना कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, कि साइन ए इंटू कॉस बी, उसके बाद हम लोग को टू यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो इस वाले पूरे टर्म का एक फार्मूला होता है टू साइन ए इंटू कॉस बी, तो फार्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, बस फिर इंटीग्रेशन लगा दो, वन अपॉन टू कर दो, फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओ, ये अपन हमारा फाइनल आंसर है। फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।